उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री के द्वारा आयोजित रामलीला पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ श्री राम के वनगमन व भरत मिलाप की मार्मिक प्रस्तुति की गई। शाहजहांपुर के थाना कटरा पुलिस ने अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने दबोच लिया और 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। साथ ही एक बाइक के इंजन व पार्ट्स भी बरामद किए हैं। थाना कटरा को मुखबिर की सूचना पर एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों की गिरोह की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से 5 कनेक्ट हो गई हैं। ये जो पकड़े गए अपराधी हैं, ये 5 अपराधी ये बरेली और पीलीभीत के रहने वाले हैं और इनके द्वारा अलग अलग जनपदों में से मोटरसाइकिल चुराई गई है। इनमें से 5 कनेक्ट हो गए, बाकी की कार्रवाई चल रही है। इन 5ों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला कारागार शाहजहांपुर में मात्र मंडल सेवा भारती व फैशन दीवा बुटीक के सौजन्य से महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने व उनमें स्वकौशल विकसित करने के उद्देश्य से सिलाई कटाई व कढ़ाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश भानुदेव ने किया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश के द्वारा कारागार में ही पैदा हुई नवजात कन्या का तिलक कर उपहार स्वरूप खिलौने व वस्त्र इत्यादि भेंट किए गए। सभी बच्चों को भी उपहार दिया गया। सभी महिलाओं को भी उपहार व मिष्ठान दिया गया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो फैशन दिया बुटीक संगठन के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश पुलिस अधीक्षक अपर जिला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम भी किया गया, साथ ही सभी महिला बंदियों और बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपहार वस्त्र और मिष्ठान फल आदि वितरित किए गए। थाना हापुर देहात क्षेत्र के NH 235 के पास हाई किनारे का है, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। आने जाने वाले लोग ने शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर शिनाख्त करने की भी कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक के शरीर पर गहरे निशान थे। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या हुआ था, आपने क्या देखा यहाँ पर? मैं नहर काटने को आया, लाभ पड़ी देखी थी बॉडी। अच्छा, कैसी हालत में थी बॉडी? बॉडी की नहर कट रही थी। तब क्या हुआ, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई जी, जसवीर प्रधान जी ने फोन करवाया, पुलिस आई तुरंत। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में धनौरा कट के पास बाईपास सड़क के बगल में बाजरे के खेत में एक अज्ञात शव मिला है। इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये पुरुष का शव है। इसके गले और हाथ पे चोट के निशान हैं। काले रंग की पोशाक पहने हुए हैं। इस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और शव के शिनाख्त की प्रयास की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई सम्पन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात तारपुर में नए बाईपास पर तेज रफ्तार का टायर फटने से इको कार में अपने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें लगभग दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस के जरिए घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनको प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। डॉक्टर दिनेश खत्री सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि घायलों में एक महिला व पुरुष को प्राथमिक उपचार दिलाकर मेरठ रेफर कर दिया गया है। शेष अस्पताल में भर्ती लोगों का उपचार चल रहा है। हाँ।
साहिर। साहिल जी एक्सीडेंट कैसे हुआ ये? तो एक्सीडेंट तो मेरी गाड़ी का टायर फटा भाई साहब। ठीक है ठीक है। चलते अब ये नहीं पता कि वो गाड़ी कैसे आई है, इधर से आई है या उधर से आई है, मेरे को ये नहीं पता। मेरा उन साइड था मगर मैं अपनी साइड था। तुम्हारी गाड़ी सही जा रही है? मेरी गाड़ी तो सही जा रही है। दूसरी गाड़ी रोंग साइड आई है। हाँ, जो आज एक्सीडेंट हुआ उसमें लगभग 9 मरीज हमारे आए थे जो अलग अलग एम्बुलेंस से लाए गए थे। उसमें एक की मरीज की स्थिति ठीक थी और एक की गंभीर थी। जो महिला थी उसमें सर पे उसके काफ़ी चोट थी और थोड़ी सी बेहोशी की अवस्था में थी, उसको ऑक्सीजन पे हमारे द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे किसे था? एक बच्चा उसमें था जिसके पैर में चोट थी और सर पे चोट थी। पूरा उपचार करने के बाद स्प्लिंट वगैरह डालने के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उनके द्वारा इलाज किया गया है और दवाइयाँ और पट्टियाँ वगैरह करने के बाद उनको भेजा। आपको बता दें कि हापुड़ के जैन कन्या पाठशाला में कला उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें जैन कन्या पाठशाला सहित जिले के अन्य कॉलेज के बच्चों ने चढ़कर हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए प्रधानाचार्य पाल त्यागी ने बताया कि कला उत्सव शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है जो 4 स्तर होता है, जनपद स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर चयनित बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करते हैं। कला उत्सव प्रोग्राम भिन्न भिन्न प्रकार कलाओं को एक उत्सव के रूप में विद्यालयों में मनाया जाता है जिससे बच्चों को शुरू से ही एक मंच मिल सके और सौंदर्य के प्रति उनका विकास हो सके। कॉलेज टीचर ने बच्चों का हौसला बढ़ाया, प्रथम आए बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। ये लड़की आई है फर्स्ट ईयर की छह जिनके लिए पाठशाला है और कला उत्सव मनाया गया है इस बारे में फिक्र करें। कला उत्सव ये शिक्षा मंत्रालय न्यू दिल्ली से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये 4 स्तर पर होता है। सबसे पहले जनपद स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर और राज्य स्तर से चयनित हुए छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। कला उत्सव का ये कार्यक्रम विभिन्न प्रकार की कलाओं को एक उत्सव के रूप में विद्यालयों में मनाया जाता है ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक मंच मिल सके और वह सौंदर्य के प्रति उनका विकास हो और सौंदर्य को अनुभव कर सकें और सौंदर्य का बोध कर सकें। मैम कितने स्कूल में बच्चे हैं इधर? पूरे जनपद के विभिन्न जितने भी स्कूल थे सभी को प्रतिभाग किया है। 10 विधाएं थी टोटल इसमें और उन 10 विधाओं में से 9 विधाओं में बच्चों ने प्रतिभाग किया है। ये जिन बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये मंडल स्तर पर मेरठ में आयोजित होगी अब अक्टूबर में और उसमें ये लोग हापुड़ जनपद की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। मैम इसमें कौन कौन सी विधाएं? इसमें गायन में शास्त्रीय गायन और लोकगीत गायन, इसी तरीके से नृत्य, एकल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, वादन, दृश्य कला, द्विआयामी, त्रिआयामी और खेल खिलौने और एकल नाटक।